झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे साथ परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ उपस्थित माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित आदरणीय भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यहाँ हमारे साथ उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अनिरुद्ध बोस जी, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्र जी एवं यहाँ उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, अधिवक्तागण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, आप सबको हमारी ओर से जोहार है। वीरों की धरती झारखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का आज उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकलमों द्वारा हो रहा है। हमारे साथ साथ ये झारखंड के करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण भी है। अभी हमने देखा, लगभग 165 एकड़ में फैली ये परिसर में झारखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। एक आदिवासी बहुल छोटे राज्य में यह भवन तथा परिसर देश के किसी भी उच्च न्यायालय के भवन तथा परिसर से बड़ा है। मुझे आशा है कि झारखंड, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोग की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने में की दिशा में यह संस्था एक मील का पत्थर साबित होगा। गत वर्ष 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पूरे देश के जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की गई थी। झारखंड में भी छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी संख्या में गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के लोग जेलों में कैद हैं। यह चिंता का विषय है। इस पर एक गंभीर मंथन की आवश्यकता है। गत वर्ष हमने ऐसे मामलों की सूची तैयार की जो अनुसंधान हेतु 5 वर्षों से अधिक अवधि तक लंबित थे। उनकी संख्या लगभग 3600 की थी। एक अभियान चलाकर इनमें से लगभग 3400 से अधिक मामलों का निष्पादन कराया गया है। अब हमने 4 वर्षों से अधिक अवधि की लंबित मामलों की सूची तैयार की है, जिनकी संख्या लगभग 3200 की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इन मामलों का भी निष्पादन अगले 6 महीना के अंदर कर लिया जाए और इसका लगातार मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के सहायक लोक अभियोजक की कमी के कारण मामलों में निष्पादन में दिक्कतें आ रही थी। लंबे समय तक इसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। गत माह हमने लगभग 107 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है और मुझे आशा है इस मामले में निष्पादन में भी तेज आएगी। मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश को सुनने का मौका मिला है। आप सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी की गरिमा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बेहतर कार्य हुए हैं। मुझे लगता है देश में सबसे अच्छी स्थिति हमारे राज्य की है। आज झारखंड में कुल 506 न्यायिक पदाधिकारी कार्यरत हैं। इसके लिए 658 कोर्ट रूम तथा 639 आवास उपलब्ध हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भविष्य में जो भी आवश्यकताएं होंगी, राज्य सरकार उसको प्राथमिकता देगी। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर न्यायिक प्रणाली को कैसे सरल, सुलभ,
सस्ता और तीव्र बनाया जाए, इसके लिए भी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। मैं उनकी सराहना करता हूं कि आप को आश्वस्त भी करना चाहूंगा, अगर इस कार्य के लिए कोई भी प्रोजेक्ट झारखंड के लिए तैयार किया जाएगा तो सरकार उसे पूरा सपोर्ट करते हुए कार्य को सफल बनाएगी। एक महत्वपूर्ण विषय की ओर उपस्थित महानुभावों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। झारखंड राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के में आदिवासी समुदाय नगण्य की उपस्थिति एक चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इस सेवा से माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः मैं चाहूंगा आदिवासी बहुल राज्य के लिए वरीय न्याय सेवा के नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान करने का मैं आग्रह करना चाहूंगा। आज हमारे बीच नए माननीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं। मुझे लगता है झारखंड में शायद यह आपकी पहली यात्रा है, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। और एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा, यद्यपि भारत सरकार द्वारा सबऑर्डिनेट जुडिशियरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम चलाई जा रही है, परंतु ऐसी कोई स्कीम उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो आज राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए जो भवन बनाया गया उसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मेरा इसमें आग्रह है कि केंद्र सरकार भी उच्च न्यायालय के लिए कोई ऐसे स्कीम चलाए जिससे राज्य सरकार को भी आर्थिक रूप से उच्च न्यायालय में जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु एक सहायता मिल पाए। अंत में मैं इस समारोह में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय कानून मंत्री तथा अन्य उपस्थित न्यायिक पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी।